हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। पंचमढ़ी राइड की ये 7th वीडियो है और मैं आज घुमाने वाला हूँ आपको बी फॉल। तो बी फॉल जाने के लिए जो सबसे पहली प्लेस हम जाएंगे उसका नाम है बाइसन लॉज, क्योंकि बाइसन लॉज में जो बी फॉल में टिकट लगती है वो बाइसन लॉज में ही आपको मिलेगी। तो हम लोग सबसे पहले टिकट कटवाएंगे, उसके बाद निकलेंगे बी फॉल के लिए। तो दोस्तों, बाइसन लॉज में एक म्यूज़ियम भी है। अगर आप बाइसन लॉज आते हैं तो यहाँ का जो म्यूज़ियम है आप उसको भी देखना ना भूलें। आप यहाँ पर भी ज़रूर घूमें, बहुत ही अच्छा म्यूज़ियम बना हुआ है। तो हम लोग बाइसन लॉज से टिकट कटवा के और बी फॉल के लिए निकल चुके हैं। बाइसन लॉज में हम लोग जो म्यूज़ियम है उसको नहीं घूमा है, हम लोग सिर्फ अब जो है प्लेस घूमेंगे उसका नाम है बी फॉल। क्योंकि धूपगढ़ हम लोग इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि धूपगढ़ में बाइक ले जाना अलाउ नहीं है, तो उतना ट्रैक वाला नहीं हो पाएगा। अब जो लास्ट प्लेस बस बची हुई है वो बी फॉल है। बी फॉल को घूम कर और फिर हम लोग सिहोरा के लिए निकल जाएंगे, और बी फॉल से लौटते लौटते 6 शायद बज ही जाएंगे। तो 6 बजे हम लोग डायरेक्ट सिहोरा के लिए निकल जाएंगे खाना पीना खाकर। तो दोस्तों, आप जब अपने प्राइवेट व्हीकल के थ्रू आते हैं तो आपकी कार हो या टू व्हीलर, आपको यहीं पर ये गेट के बाहर लगानी पड़ेगी। यहाँ पर आपकी टिकट चेक होगी, उसके बाद आपको अंदर जाने मिलेगा। अगर आप जिप्सी से आते हैं तो आपका 1 किलोमीटर का जो ट्रैक है वो कम पड़ेगा, और नहीं तो पैदल आपको 1 किलोमीटर एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। वैसे आपको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ पर ट्रैक करने में, क्योंकि इसके जो रास्ते हैं वो बेहद खूबसूरत हैं। तो आपकी थकान जो है इन रास्तों को देख कर ही, जो यहाँ के नज़ारे हैं उनको देख कर ही मिट जाएगी। और जो कार जिप्सी यहाँ तक ही आती है, इसके बाद कोई भी व्हीकल नहीं जाता है। इसके बाद आपको सीढ़ी के रास्ते ही जाना पड़ता है, और बीच बीच में इसके जो रास्ते हैं वो बेहद खूबसूरत हैं। आपको ऐसे वाटर क्रॉसिंग मिलेगी, छोटे छोटे वाटरफॉल मिलेंगे और ऐसे ब्रिज मिलेंगे, जो इसके रास्ते हैं वो बेहद खूबसूरत हैं। तो आप आएंगे तो आप खुद ही फील करेंगे कि कितना अच्छा लगता है यहाँ पर। और दोस्तों, मैंने इसकी ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई है बी फॉल की, क्योंकि बी फॉल के लिए मेरे पास जो फ़ोन में स्टोरेज था वो ज़्यादा नहीं बचा था। ये रहे उसके कुछ वीडियोज़, तो आप देख सकते हैं जितना मेरे पास इनफ स्टोरेज था मैंने उतनी वीडियो बना ली है। दिखने में ये बेहद खूबसूरत जगह है। तो दोस्तों, इतनी ही प्लेसेस हैं जो मैंने आपको दिखाई है जो सबसे बेस्ट हैं पंचमढ़ी में घूमने के लिए। इन पंचमढ़ी के टॉप प्लेसेस में धूपगढ़ भी आता है, जहां पर हम लोग नहीं जा सकते क्योंकि प्राइवेट व्हीकल वहां पर ले जाना अलाउ ही नहीं है, और ना ही आप पैदल जा सकते हैं, इसलिए हम लोग वहाँ पर नहीं गए हैं। तो आप जब भी आइएगा पंचमढ़ी तो आप धूपगढ़ जरूर घूमने जाएं। दोस्तों, ये रही कुछ धूपगढ़ की वीडियो, देख सकते हैं कि बेहद खूबसूरत जगह है, इसलिए आप जब भी यहाँ पर आएँ तो धूपगढ़ जरूर घूमने जाएँ। हम लोग तो नहीं जा पाए हैं। तो दोस्तों, हम लोग बी फॉल को घूम कर और मेन पंचमढ़ी में आ चुके हैं, और ये आप देख सकते हैं कि ये यहाँ का कार स्टैंड है। देख सकते कितनी ज़्यादा कार यहाँ पर लगी हुई हैं, और ये सब नांग द्वारी गए हुए हैं अपनी अपनी कार को यहाँ पे पार्किंग में लगाकर। तो दोस्तों, शाम के 5:30 बजे हुए हैं और अब हम लोग पंचमढ़ी से निकल रहे हैं डायरेक्ट सिहोरा के लिए। तो इस वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको जो पिछली वीडियो में हम लोग के रास्ते बच गए थे दिखाने को, तो मैं वो ब्यूटीफुल नज़ारे आपको दिखाऊंगा, तो वो आप अगली वीडियो में देखिएगा।